नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट नाइन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर से बड़ी खबर की। छतरपुर में धसान नदी की बाढ़ में फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने 6 महिलाओं और 2 मासूम बच्चों को सुरक्षित निकाला। 15 घंटे तक पानी की लहरों के बीच फंसी 8 जिंदगियों को बचाया गया। हरपालपुर के चपरन गाँव के टापास नदी के टापू में फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह के मौके पर पहुंचने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि टापू में सभी 10 लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन की जद्दोजहद जारी है। तो छतरपुर में धसान नदी की बाढ़ में फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया है और ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। एनडीआरएफ की टीम ने 6 महिलाओं और 2 मासूम बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। 15 घंटे तक पानी की लहरों के बीच ये लोग फंसे रहे और इसके बाद इनका रेस्क्यू किया गया। पीछे गांव के पास नदी के टापू में फंसे ग्रामीणों का भी रेस्क्यू किया गया। क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह के मौके पर पहुंचने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने ग्रामीणों का रेस्क्यू किया और बताया जा रहा है कि टापू में सभी 10 लोग फंसे थे, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन की जद्दोजहद जारी रही। पीछे हो छतरपुर में बाढ़ में फंसे मतदाताओं का पुलिस ने सफल रेस्क्यू किया। वोट डाले गए 50 महिला पुरुष मतदाताओं का रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। ग्राम पंचायत खरियानी में सरपंच पद के उपचुनाव में वोट डालने गए मतदाताओं का सफल रेस्क्यू किया गया। ये मतदाता श्यामरी नदी में बाढ़ आने से फंस गए और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए नाव से मतदाताओं को नदी पार कर पाई। टीकमगढ़ में धसान नदी के टापू पर फंसे 2 किसान 2 दिन से फंसे हुए हैं। दोनों किसान कल से प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। किसानों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम कर रही निकालने का प्रयास। कुडील थाना क्षेत्र के महुबिया का यह पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं टीकमगढ़ से, जहां धसान नदी के टापू पर फंसे 2 किसान और 2 दिन से फंसे हुए किसानों को बाहर निकालने की कोशिश अब की जा रही है। कल से ही प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। किसानों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम कर रही निकालने का प्रयास। कुडील थाना क्षेत्र के महुबिया का ये पूरा मामला सामने आया है। और संवाददाता राजीव रावत जुड़ गया। राजीव, किसान टापू में फंसे रहे और निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, क्या कुछ जानकारी अभी? जो कल शाम कल दिन में जो 2 किसान हैं वो अपने खेत पर गए हुए थे और धसान नदी के जो बीच टापू है वहां पे फंस कर रह गए हैं और दोनों लोगों को कल रात में और कल शाम से उनको निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन रात हो जाने के कारण जो एसटीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है उसने रेस्क्यू बंद कर दिया था और आज सुबह फिर से उनको निकालने का प्रयास अब दोबारा से किया जा रहा है और सेना से हेलीकॉप्टर से और मदद भी मांगी गई थी और जिसमें जिसके कारण भारी बारिश के चलते हेलीकॉप्टर नहीं आ पा रहा था और सुबह से फिर से अब जो प्रशासन है वो लगातार गृह मंत्रालय में एक्टर भी मौके पर मौजूद हैं, एसपी भी मौके पर मौजूद हैं और इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी और कलेक्टर रात में वही मौके पर ही मौजूद रहे और अब सुबह से फिर से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इनको निकालने का प्रयास अब प्रशासन को सफलता हाथ लग सकती है। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबर भोपाल से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुलाई आपात बैठक। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बुलाई गई बैठक, अधिकारियों के साथ ही सीएम बैठक करेंगे। प्रदेश में भारी बारिश को लेकर सीएम की बैठक बुलाई गई है। संभागीय आयुक्त, आईजी, एसपी, कलेक्टर शामिल होंगे। बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई और इस दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत की। तो लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में बने हुए हैं। कई ऐसे निचले इलाके हैं जो कि पूरे डूब क्षेत्र घोषित हो चुके हैं और इस दौरान ये मुख्य बैठक बुलाई गई है। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपात बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 48 घंटों से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और एक दर्जन से अधिक जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई कस्बे और गांव ऐसे हैं जिनका मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है और वह आवाजाही में परेशानी उन इलाकों में हो रही है। कई जगह घरों में पानी भर गया है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई है और जिस तरीके से बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं, लगातार बारिश से जो हालात बिगड़े हैं उसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए और जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं या जिनकी फसलें खराब हुई उनको कैसे राहत दी जाए, इसको लेकर सभी संभागीय कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अब से कुछ देर बाद तकरीबन 10 बजे जो है वो एक बैठक करने वाले हैं और हर कलेक्टर से और संभागीय कमिश्नर से जानकारी लेंगे कि उनके जिले में बारिश से किस तरह के हालात बिगड़े हैं और जो लोग फंसे हुए हैं या जिन लोगों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है, जिला मुख्यालय से टूट गया है, आखिर उन लोगों के रेस्क्यू के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खाने पीने का सामान नहीं बचा है तो उनको किस तरीके से खाना उपलब्ध कराना है या जो फसलें बर्बाद हुई है उसका आकलन जो है वो करने का निर्देश भी सीएम आज के इस बैठक में दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई इलाकों से इस तरह की खबरें आई कि पूरी तरीके से फसलें जो है वो बर्बाद हो गई है क्योंकि पानी जो है वो खेतों में भर गया है। पिछले 48 घंटे से लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिला और आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी एसपी, कलेक्टर और आईजी कमिश्नर के साथ बैठक बुलाई। अब देखना होगा उसमें किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि आम लोग जो बारिश से प्रभावित हैं उनको राहत जल्द से जल्द मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस तरीके से लोगों को राहत मिल सके और इसके लिए क्या कुछ प्लान होगा ये भी देखना होगा कि किस तरीके से राहत मिलती है। अब आगे बढ़ेंगे, जहां लगातार हो रही भारी बारिश से एक बार फिर से खंडवा जिले के दोनों बांध परियोजनाएं इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसके बाद इंदिरा सागर डैम के 12 और ओमकारेश्वर डैम के 11 गेटों को खोला गया। बरगी तावा बांध के गेट खोले जाने से जलस्तर बढ़ गया, वहीं गेट खोले जाने के बाद प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया। लगातार हो रही भारी बारिश से एक बार फिर से खंडवा जिले की दोनों बांध परियोजनाएं इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसके बाद इंदिरा सागर डैम के 12 और ओमकारेश्वर डैम के 11 गेटों को खोला गया है। निवाड़ी में भी भारी बारिश के बाद नदियां रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। ओरछा से निकलने वाली बेतवा नदी उफान पर है, जिसके बाद पिछले 6 घंटों के अंदर माता टीला डैम से करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तस्वीरें यहां की स्थिति की कहानी बयां कर रही हैं। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। और अब मुरैना की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां 2 दिन से हो रही बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। कॉलोनियों में पानी भर गया, हालात ऐसे हैं कि लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर 2-2 फीट तक पानी है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बारिश से पहले नालियों की सफाई सही से नहीं हुई, और अगर हुई है तो फिर बारिश का पानी का निकास क्यों नहीं हो रहा, सड़कें जलमग्न क्यों हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दतिया में भीषण हादसा हुआ, जर्जर मकान की दीवार गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल बताए गए हैं। कच्चे मकान और झोपड़ी पर गिरी दीवार, मलबे के नीचे दबे 5 लोग, रेस्क्यू अभियान में जुटा है प्रशासन। बड़ी जानकारी, जहां दतिया में भीषण हादसा हुआ, जर्जर मकान की दीवार गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए गए हैं। कच्चे मकान और झोपड़ी पर दीवार गिरी है। शाजापुर में तेज बारिश और हवा से गिरा पेड़, जहां बिजली के तारों पर पेड़ गिरने से आग लग गई।
शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीरें, और ये देखिए तस्वीर आपके सामने है जहां पर शाजापुर में तेज बारिश और हवा से पेड़ गिर गया और बिजली के तारों पर गिरने की वजह से इसमें आग भी लग गई। अंबिकापुर में डायरिया का प्रकोप जारी है। कंठी गांव में डायरिया से एक की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 24 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त से पीड़ित बताए गए हैं। गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में लगाया कैंप। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। कंठी गांव में डायरिया से एक की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप मचा हुआ है, जहां 24 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त से पीड़ित बताए गए हैं। गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया है। ठीक है, कंवरपारा में डायरिया का प्रकोप है और इस डायरिया के प्रकोप से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ के हालात हैं। कम से कम 20 से अधिक लोग यहाँ बीमार हैं, उल्टी दस्त की इनकी शिकायत है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मरीज हैं उन जिनको उल्टी दस्त की शिकायत है उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज अस्पताल, इनको भर्ती कराने यहाँ से कुछ लोग भी हैं। ये बताइए कितने लोग प्रभावित हैं यहाँ पर? लगभग 20 से 25 लोग प्रभावित हैं। कैसे पता चला कितने लोग? कल शिविर लगा था तो गोली दवाई लेने आ रहे थे, डॉक्टर थे उन लोग के पास, तो बता रहे थे कि मेरे को उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो इसी से जानकारी। और बहुत जने 10-12 जने तो वहाँ जिला हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कैसे ये हुआ, क्या लगता है क्या गड़बड़ी? अभी तक तो पता नहीं चला है क्या गड़बड़ी है। पानी वानी की वजह से नहीं? बस वही पानी का हो सकता है। अभी बोर का पानी पी रहे थे तो हम लोग को जानकारी दिया गया कि पानी बंद कर दिया जाए, अभी गर्म पानी पिए तो बंद कर दिए हैं, तो पानी का ही हो सकता है। डॉक्टर लोग आ रहे हैं जांच कर? हाँ आ रहे हैं, कल शिविर लगाए थे, आज भी शिविर है। तो कितने लोग आपको लगता है कि अभी प्रभावित होंगे गांव? लगभग 20 से 25 लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंठी गांव का कंवरपारा है यहाँ पर डायरिया का प्रकोप है और 20 से अधिक लोग अभी भी डायरिया के प्रकोप में ग्रसित हैं, जिनको उल्टी दस्त हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग है वो यहाँ पर कैंप जरूर लगा रहा है, लेकिन हालात सुधरने वाली स्थिति में अभी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में जो यहाँ के गंभीर मरीज हैं उनको अंबिकापुर जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहाँ भेजा जा रहा है, और जहाँ उनको अच्छे इलाज सुविधा, बेहतर सुविधा का लाभ मिल सके। और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गया। श्रवण, डायरी का प्रकोप जारी है, देखा जा रहा है कि डायरिया से एक और मौत हो चुकी है? जी बिल्कुल, अंबिकापुर के बेहद करीब गांव है कंठी, और यहां का कंवर पारा है जहां पर डायरिया का अभी प्रकोप है, और यहां करीबन 25 जो लोग हैं वो बीमार हैं, 15 से अधिक जो हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं, और मैं इसी कंठी गांव में मौजूद हूं। यहीं के लोगों से जानते हैं कि कब से ये बीमारी फैला है और कब मौत हुई है, क्या बता रहे हैं? 3-4 दिन से यहाँ प्रकोप चल रहा है और कल ही सुबह एक जन का मौत हो चुका है। ये स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए भैया कि यहाँ मेडिकल सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेडिकल सुविधा तो मेडिकल तो है, मगर यहाँ नहीं आ रहे हैं डॉक्टर लोग। अच्छा, क्या यहाँ पे जब कैंप लगा था कब आए थे? कैंप वैंप लगा था कि नहीं लगा था? डॉक्टर तो कल आए थे, घूम रहे थे गाँव गाँव में। अभी क्या स्थिति है गाँव की? अभी तो नहीं आए हैं डॉक्टर। अच्छा, चाहते क्या है आप लोग? हम लोग यहाँ कैंप लगे, आदमी को व्यवस्था मिले, सही समय में पहुंचे। अभी जो मौत हुआ था वो कितने साल का था? क्या लगभग 42-45 साल का। अभी कितने लोग बीमार होंगे? अभी 25 लोग। अच्छा, तो अभी स्थिति क्या है गांव की, कितना भयावह स्थिति है? गांव की स्थिति तो गंभीर है, कहीं कहीं निकल रहे हैं और ले जा रहे हैं अंबिकापुर। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो गंभीर बीमार हैं दूषित पानी वो... की वजह से ये पूरा जो डायरिया का प्रकोप है फैला हुआ इलाके में। श्रवण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे जहाँ छत्तीसगढ़ में होगी पुलिस भर्ती। वित्त विभाग ने भर्ती की परमिशन दे दी है। 341 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। 278 पदों पर होगी एसआई की भर्ती। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा होने वाली है। वित्त विभाग ने भर्ती की परमिशन दे दी है। 341 पदों
पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। 278 पदों पर होगी एसआई की भर्ती। बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से। तो जिन अभ्यर्थियों ने तैयारी की है और उनके लिए बहुत बड़ा खास मौका होने जा रहा है, जहां पुलिस भर्ती वित्त विभाग ने भर्ती की परमिशन दे दी है, 341 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। महू के पाताल पानी के पास सड़कों पर तेंदुआ घूमते दिखाई दिया है। महू के पास मलेडी गांव में तेंदुआ घूमते हुए नजर आया। गांव के लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। कुछ देर रहवासी इलाके में घूमने के बाद तेंदुआ जंगल की तरफ चला। जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। तो खबर महू से जा महू के पाताल पानी के पास। और ये देखिए, तेंदुआ जब नजर आया, इस दौरान वो पीछे मुड़कर काफी फोटो का वीडियो देर तक देखता भी रहा। हो सकता था कि वो हमला भी कर दे। और महू के पास मलेडी गांव है, जहां पर तेंदुआ ये घूमता हुआ नजर आया है। गांव के लोगों ने इसका वीडियो बनाया। वीडियो सामने आया, कुछ देर रहवासी इलाकों में घूमने के बाद तेंदुआ जंगल की तरफ चले गए। दो तेंदुए नजर आए हैं। फोटो का वीडियो बनाया। जांजगीर चांपा से खबर है। जांजगीर चांपा में स्कूल जा रही बच्ची का अपहरण करने वाला गिरफ्तार किया गया। अपहरण के बाद नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। और पहले इसने बच्ची का अपहरण किया, फिर उसने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अपहरण के बाद नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने 50 लाख रुपए का स्क्रैप बरामद किया है। 5 कबाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अवैध कारोबार करने वाले कबाड़ियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपियों से स्क्रैप से भरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। जामुल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी जानकारी है दुर्ग से, जहां पर पुलिस ने 50 लाख रुपए का स्क्रैप बरामद किया। 5 कबाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध कारोबार करने वाले कबाड़ियों पर बड़ा एक्शन हुआ। आरोपियों से स्क्रैप से भरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। जामुल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अपर सत्र न्यायाधीश को किया गया निलंबित, जहां एडीजे पंकज यादव को निलंबित किया गया। हाईकोर्ट की विजिलेंस विंग की जांच में पाया गया था दोषी। एडीजे पर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित करने का आरोप लगा है। चंदन नगर थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी का मामला सामने आया। क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आरोपियों को जमानत दी गई थी। कोरबा में प्लांट में चोरी का खुलासा हुआ। सुरक्षा कर्मियों की मिली भगत से बीसीपीपी के बंद प्लांट में चोरी हुई थी। 2 कबाड़ी सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जंगल में छिपाकर रखा गया स्क्रैप बरामद कर लिया गया। कबाड़ की दुकान को सील कर दिया गया है। दर्री पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां प्लांट में चोरी का खुलासा हुआ। सुरक्षा कर्मियों की मिली भगत से बीसीपीपी के बंद प्लांट में चोरी हुई थी। 2 कबाड़ी सहित 6 आरोपी गिरफ्तार। कबाड़ की दुकान, 2 कबाड़ी से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कोरबा में प्लांट में चोरी का खुलासा हुआ था। सुरक्षा कर्मी की मिली भगत से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। बीसीपीपी के बंद प्लांट में चोरी की घटना हुई थी और इस दौरान 2 कबाड़ी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कबाड़ की दुकान को भी सील कर दिया गया। बड़ी जानकारी है कोरबा से, जहां प्लांट में चोरी का बड़ा खुलासा हो चुका है। जहां सुरक्षा कर्मी की मिली भगत से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और इससे बड़ी मात्रा में जो स्क्रैप है वो भी बरामद किया गया है।